भूषण ज्वेलर्स। ऑनलाइन जालसाज लोगों को ठगने के लिए अलग अलग और नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो ने स्कैमर्स द्वारा चुने गए नए तरीके की जानकारी दी। इस तरीके से जालसाज आपके दरवाजे पर कैश ऑन डिलीवरी फीचर के साथ नकली डिलीवरी लेकर पहुंच जाएंगे। जब डिलीवरी लेने से मना कर दिया जाता है तो स्कैमर्स ऑर्डर रद्द करने के लिए फर्जी कस्टमर केयर से एक ओटीपी भेजेगा। जैसे ही आप ये ओटीपी डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करेंगे तो स्कैमर आपके अकाउंट से सारे पैसे उड़ा लेगा। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ हम आपको फ्रॉड के इस तरीके के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही आपको देंगे टिप्स कि आप इस तरह की ठगी से कैसे बच सकते हैं। इन बातों का रखें ध्यान। अगर कोई आपके पास सामान लेकर आए और कहे कि आपने बुक करवाया है तो उससे उसका सबूत मांगे, साथ ही अपनी तरफ से भी सबूत दिखा दे कि आपने कोई ऑर्डर नहीं किया है। मुख्य शॉपिंग वेबसाइट या ऐप के पेज पर जाकर दिखा सकते हैं कि आपने कोई ऑर्डर नहीं किया। अगर आपके घर में किसी ने गलती से ऑर्डर कर दिया है तो आप उस सामान को नहीं लेना चाहते तो आपको उसे कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं करना। आप अगर उस पैकेट को नहीं रिसीव करेंगे तो वह खुद ही वापस चला जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। बात चाहे ऑर्डर कैंसिलिंग की हो या दूसरी हो, कॉल पर रहते हुए कोई भी ओटीपी से जुड़ा मैसेज आए तो उसे ध्यान से पढ़े। दरअसल ठग अक्सर कॉल पर रहते हुए ध्यान भटकाते हैं और आप फौरन ओटीपी बता देते हैं। अगर लोन या ईएमआई पेंडिंग को लेकर कोई ऐसा कॉल आए जिसमें सामने वाला खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है तो पहले उस नंबर को वेरीफाई कराएं। आप लोकल थाने में कॉल करके भी नंबर वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की धमकी भरे कॉल से न डरे। पुलिस को इस तरह के मामलों में सीधे कार्रवाई का अधिकार नहीं होता। बैंक के पास सिर्फ कोर्ट का विकल्प बचता है जिसमें उसमें भी आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।